जाने दे, अरे का जाने दे सहारा वाली का जर। बड़ा सुंदर पुरस्कार आया है राकेश यादव इलाहाबाद यूट्यूब चैनल। हमारे चैनल जोन डायरेक्टर साहब चलावत है, पैसा के दे भैया, डायरेक्टर साहब देता है यार, और की दे नहीं वापस करे वाला धंधा हम नहीं की। वो हमारा समझौता भारत भाई नहीं होते, तोहरे 50 रुपये 50 दे लेकिन सवेरे दक्षिणा वाला काम ना हुई। अरे यार मेहरारू लड़कियां हैं ही डिपेंड ही भाई, और कोनो धंधा बा नहीं हमरे पास। 100 रुपया पुरस्कार अंकित यादव की तरफ से बहुत बहुत है। का जाने दे शहर वाली कजरा दादा राम कैलाश की धुनन मेरे दो आन के बलमुआ के क्या गायन आन के बलमुआ के पेड़ा मीठा अरे अपने बलम के भेवाइए बजरा का जाने दे मिठाई। भारत जान ल दूसरे के मेहरारू आपन लड़का दुनिया का बड़ा निकला गत आपन मेहरारू शौखीन है लाली लिपस्टिक लगाए घर में बैठी पर लेकिन कहीं उसे कहे नहीं यार। अब रोड से खिचली जात रहे कहन यार कितनी बढ़िया होकर रखिया बा। तो मेरे दोस्त यह दुनिया है अरे आन के बलमुआ के से जा सुतावन अरे अपने बलम के बिछाइए जो नवा का जाए पुरस्कार प्रयागराज म्यूजिक यूट्यूब चैनल के मलिकार साहब और डॉक्टर दिलीप यादव मेडिकल स्टोर अभयपुर सोनबरसा चौराहा। 50 रुपये राहुल तुहे ले हम बोल देते हैं 50 रुपये तुहरे बरे बा। एक चीज जान ल दवाई के रेट लोग नहीं जान पाते डॉक्टर और मेडिकल वाले जितना यहाँ स्टोर वाले हैं 2-4 साल बहुत बड़ा मनाई हो जाता है पता नहीं क्या इसी बात अब भाई अब राम जाने रेटे नहीं जान पोते लोग। 100 रुपया पुरस्कार है बहुत बहुत दमन है तही गरीबों को ध्यान दे जाए हम जाना तही भाई हमारे सामने ठीक ही रहा था। आए बाबू बिरहा की शुरुआत है आप लोगों ने एक दानी सोमदत्त की कहानी सुना एक से बढ़कर एक दानी धरती पर पैदा हुए सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र अपनी सत्यता के लिए अपने पत्नी और बच्चे को छोड़कर डोम के घर पानी भरने लगे। राजा मोरद ध्वज अपने बेटे पर आरा चलाए। मेरे दोस्त राजा बल की परीक्षा हुई 3.5 पग जमीन के नाम पर उन्होंने अपनी पीठ को दान कर दिया।
लेकिन यही राजा बल के खानदान से एक बिरहा है, देखिए इसमें भी एक बच्चे की कहानी है और देखिए किस तरीके से कहानी मोड़ लेती है और बच्चे को दान दिया जाता है। गौर करिएगा तो मास्टर कहना है भगवान भक्तों की लेते परीक्षा सच्चा वही जो नहीं मान छोड़े हीरे को पहचानता जो हरी ही और तपाने से सोना चमकना न छोड़े भक्तों के बस में है भगवान रहते के भजन में और चरण में प्रभु के सदा प्रीत जोड़े आप हमारे पूजनी चाचा श्री नंदलाल गौतम जी आप जी की ओर से 51 रुपया पुरस्कार आप सुभाष ढोलक मास्टर के चाचा जी की ओर से बहुत बहुत प्रणाम है बहुत बहुत तुमन है। भगवान भक्तों की लेते परीक्षा सच्चा वही जो नहीं मान छोड़े हीरे को पहचानता जो हरी ही तपाने से सोना चमकना न छोड़े भक्तों के बस में है भगवान रहते छोड़े धर्म ना पड़े लाख रोड़े कहे फूल चंद मस्त हर के भजन में चरण में प्रभु के सदा प्रीत जोड़े। यहां सुने वाले मेरे दोस्त परीक्षा उसकी ली जाती है जो परीक्षा देने योग्य होता है। अजय पलरी मुर्गा बोकरा खाद को परीक्षा नहीं पाए कहा पास हो जाए भाई कहूं हो पास हो जाते हैं। एक लाइन गीत लगन मास्टर शिव नंदन सब्जी वाले क्या बात है बड़ी बढ़िया हरी हरी सब्जी बेचा थी आप सब 51 रुपया पुरस्कार है बहुत बहुत प्राण है बहुत बहुत मन है। अरे मेरे खोले दिल की मेहंदी मेरे खोले दिल की मेहंदी जबन कले मेरा जनाजा जबन कले मेरा जनाजा कहती यही मनोता
बिरहा सुने वाले मेरे दोस्त, अपने काम तो दुनिया आती है लेकिन कहती यही मानवता गैरों के काम आना। सेवा से मिलता मेवा, खाना और खिलाना। मेरे दोस्त यहाँ से कहानी के शुरुआत पर जितना लोग बैठा वाकई बिरहम आनंद आई जाए। हर कहानियों का रूप प्ररूप अलग अलग होता है मेरे दोस्त। आज नीतू चंचल जी बिरहा गा रही हैं, वाकई मेरे इलाहाबाद जनपद में आपने बेहतरीन प्रस्तुति दिया है, बहुत हम लोग प्रसन्न हैं। नहीं तो आज का लड़कियन बिरहम दुपट्टा बांध कर नाचे दिया। यह निकल लागत है तोहरे लोग जैसे, यह निकल जाएगी मेरे दोस्त। लेकिन वाकई आजकल कभी यहाँ सूर सूर तुलसी शशि उद्गम केशव दास, अब के कवि खगोध समझ तह करण प्रकाश, आज कवि दीपक की तरह है लिख दे नड़र बड़र जोन है दीपक तले अधेरा। लेकिन वाक कवियों की कितनी सुंदर सुंदर खोज है। कहानी के शुरुआत में नजर कलाएंगे नहीं आता। राजा बलि इतने बड़े दानी है कि देवी देवता प्रसन्न है। वाकई अगर धरती पर कोई राजा है तो शख्सियत का नाम है राजा बलि। राजा बलि के नगर की प्रजा बड़ी खुशहाल है। राजा बलि सोचने लगे यार कि मेरे राज दरबार में सिर्फ एक कमी है। एक कमी है हमारे राज दरबार में कौनो हाट बाजार नहीं लगा। अगर मेहमान हरे आई गए तो उनका बिस्कुट ले भरे दूसरे राज में जाए पड़त है। अगर हमारे राज दरबार में अगर मीना बाजार लगे लगे तो ठीक रहा। अपने सलाहकार को बुलाएं, कहने सलाहकार हम बतावे हुजूर, कहन ऐसा है तुम पाटिया नगर में लिख कर टंगवा दो, मतलब पंपलेट लगवा दो कि कल से राजा बलि के दरबार में मीना बाजार लगेगी और मीना बाजार में जौने व्यापारिक सौदा बिकाई जाए। शिवनंदन भाई समझा, जौने व्यापारिक सौदा बिकाई जाए ठीक बा। अगर न बिकाई तो करे सौदा का हम उचित दाम दे के खरीद ले, खरीद ले जैसे हमार बाजार नंबर के चले। देखा एमा कैसे दान की बात यह पंचो गौर करे। ते गरीब किसान रहा करे चार बेटवा रहे भारत भाई, बड़ी गरीबी रहा। जब पाटिया धरे धरे लग गए कि काल से राजा दरबार में मीना बाजार लगे, जेकर सौदा बिकाई गए ठीक पर नहीं बिकाए राजा उचित दाम देखे खरीद ले। तो बूढ़ा किसान है बड़ा गरीब है मेरे दोस्त, अपने चारों बेटवा बुलास कैसे मुन्ना यहाँ का बात है पिताजी। कहन बेटवा मौका बड़ा बढ़िया है। कहन बाबू कैसे मौका बढ़िया बा? कहन बेटवा हमारे राज में तू लोग
गरीबी झेला लेकिन वादा करता है कि हम मरत मरत तो का लोग अमीर कह दिए। चारों बेटा उन्हें कहन यार बाबू हमार पगलाई गया है क्या, कहा जिंदगी भो कमात कमात एकदम मरे किस्ती माई गेन गरीबी नहीं दूर भाई, और कहा था एक बे मरत मरत तो हम अमीर कह दिए। कहन बाबू करब्या का, कहन राजा ने पाटिया लिख कर टंगवाया है कि जेकर सौदा न बिकाई हम ओकर उचित दाम दई के खरीदे। कहन बाबू हमें करब्या का, कहन बेटवा बस हमार जिंदगी ज्यादा दिन नहीं बा, हम मर जाब। कहन तब कहन मर जाब तो बेटवा हमार शरीरिया बोटी बोटी काटाया। कहन बाबू कसत तू पगलाई वाली बात करता है, कहन हमार शरीरिया बोटी बोटी काट दया, अब बेटवा काट के बोरा में भर के राजा के बाजार में बेचे ही चला जाए। चला जाए अब बोरा का मुंह तू चारों जने खोले जिन, और चारों कहन बाबू तू पगलाई वाली बात करता है, एक सौदा ले चार जने जा पाए। कहन कह दिया कि हमार कौनो ऐरू गैरू नथु खैरू सौदा ना हो। कहानी समझा मेरे दोस्त, बिरहा बहुत गवैया गावत है, बिरहा रोज होत बा, लेकिन ऐसी ऐसी कहानी कभो कभो सुने के मिला थी। ए बाबू का काम करन वक्त गुजरा, एक दिन बुढ़वाई दुनिया छोड़ के चल दे सुनहन चारों कह लिया बेगड़ासा बाबू कहे काट के बेचा जाए। और राजा ने पाटिया में ये नहीं लिखवाया था कि नून टमाटर आलू अदरक धनिया के अलावा कुछ न ले, हमारा सौदक नाम तो लिखाए नहीं रहे। अपंच उन्हान अपने बाबू काटे न और बोरा में भर के बाजार में जाए के बैठ गए। जब बाजार में लग बैठ गए क्यों आवत बालू खरीद दे, क्यों टमाटर खरीद दे, क्यों मसाला ले दे, क्यों मुर्दा खरीदी ने मास्टर साहब के मुर्दा खरीदी ना, उन्हा लेके बैठा है तो मास्टर हिया खाटी ढूंढ लगत बा। अरे हाय 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 पूर्वांचल वाले एक कापी के लिए है, कहन बता बनावा तनी खैनी है बुढ़ाऊ दादा, हमारे इलाहाबाद दद्दा राम आधार की चीज आते है मास्टर साहब। अरे अरे पिताई आई लमुरदा, अरे पिताई आई लमुरदा, अरे राजा कई बजरिया पिताई आई बोरा मुंह बांधे चारो बैठा है। अब शाम हो गए मंत्री आए देखे कैस कसो राजा भेजन, कहन जेकर सौदा न बिकान हो उचित दाम दे खरीद ले है। कहन कहे तो नहन चारो का लेके आई है। कहन ए मंत्री होश बात करे, कहन सौदा दिखाई दे तोहर पैजामा ढील हो जाए। हम मंत्री वाह कहा यार मीना बाजार में कौन सौदा ससुर देख ले पैजामा ढील हो जाए। कहन अच्छा तो कहन तई दिखावा ना, आओ बड़का बेटवा मास्टर भाई अपन गट्ठी खोल भाई भवा गट्ठी खोल के निकारे सगली दस्तू। जब गट्ठी खोले सबसे पहले से जब ठन गाये सुन के बाबू कटी मूड़ी भरे आए मंत्रियों उछर भरे बाबरे कहन रे काब काब। कहन देखिया ना भागत भागत मंत्री हाफत हाफत राजा बलि दरबार पहुंचा। कहन कसर हाफत का, कहन हुजूर ऐसा सौदा जिंदगी में देखे ना रहे, उ सौदा तुहिन खरीद पाऊ हम न खरीद पाओ। नंगे पाओ राजा बलि आई गेन देखे, कहन क्या सौदा लेकर बैठे हो, कहे हुजूर ये सौदा हमारा। कहन दिखावा तब दिखाए तो बाबू जी है पिठा।